बीते कुछ अरसे से अमेरिका, कनाडा और उसके जैसे कुछ देश भारत को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कभी खालिस्तानियों को सपोर्ट करके, कभी ये बहाना बनाकर कि भारत विदेशी जमीन पर टारगेट किलिंग करवा रहा है, कभी फाइव आईज कंट्रीज का दबाव बनाकर कि उनके पास तो भारत के खिलाफ सारी इंटेलिजेंस है। लेकिन भारत ने ऐसा काम कर दिया कि इन सब के पसीने छूट जाए। अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी देश पिछले कुछ दिनों से भारत के मामले में कूद रहे थे, वो सब आज पीएम मोदी के रूस दौरे की तस्वीरें देखकर ठंडे पड़ गए। क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसी चाल चल दी है जिसका तोड़ इन देशों के पास नहीं है। भाई, एक तो पीएम मोदी की कूटनीति ने चीन को लाइन पर ला दिया। वो चीन जो किसी की नहीं सुनता, किसी के कहने पर पीछे नहीं जाता, उस चीन को भी कहा गया पीछे जा। फिर अब रूस जाकर पीएम मोदी ने सीधा मैसेज दे दिया कि अगर रूस, चीन और भारत एक हो गए तो फिर ये त्रिनेत्र पश्चिमी देशों की फाइव आईज पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि वो तो सोचे बैठे थे कि रूस चीन साथ हो सकते हैं लेकिन भारत नहीं आएगा, भारत रूस साथ हो सकते हैं लेकिन चीन नहीं आएगा। लेकिन रूस, चीन और भारत ये ट्रायंगल भी बन सकता है, ये त्रिनेत्र भी बन सकता है, ये सोच नहीं रहे थे। अब अगर रूस, चीन, भारत एक साथ आ गए तो ये जो इन्होंने फाइव आईज बनाई है, पांच आंख, उसको ये त्रिनेत्र फोड़ देगा, इनके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से पाठशाला में बताएंगे कि ये कैसे होगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि पीएम मोदी के रूस दौरे पर आज क्या क्या हुआ। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्हें देश देखकर पश्चिमी देश जल भुन रहे हैं। भारत में भी इंडी गठबंधन को कोई बहुत आराम तो नहीं मिल रहा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आज पश्चिमी देशों के कर्ता धर्ताओं की नींद नहीं आई। वो इस बात पर पछता रहे होंगे कि खालिस्तानियों के चक्कर में भारत का विरोध करके वो बड़ी गलती कर बैठे और उस कनाडा का साथ दे बैठे जो अपनी गोद में खालिस्तानियों को खिला पिला रहा है। यार मेरा बाबू खा ले। भारत के साथ संबंध बिगाड़कर अपने ही पैर पर कैसे इन देशों ने कुल्हाड़ी मारी है, आज एक एक तस्वीर प्योर डिप्लोमेटिक मैसेज है जो अगर पश्चिमी देश पढ़ लेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब पश्चिमी देश इसी टेंशन में होंगे कि 4 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार रूस चले गए। रूस पहुंचने से पहले बॉर्डर विवाद को लेकर भारत और चीन में समझौता हो गया। पश्चिमी देशों को यही लग रहा है कि पुतिन ने भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने को लेकर दोनों को अपने पाले में कर लिया है। वो इस बात से टेंशन में है कि भारत और चीन दोनों देशों के नेता पुतिन के बुलावे पर रूस में जमा हो रहे हैं। क्योंकि भाई भारत का स्टैंड क्लियर था, जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सुलझेगा तब तक चीन से भी बायलैटरल बातचीत नहीं हो सकती, संबंध नहीं सुधर सकते। अब अचानक पुतिन चीन के भी दोस्त, पुतिन भारत के भी दोस्त, पुतिन जिनपिंग के भी दोस्त, पुतिन मोदी के भी दोस्त, और यहां अचानक से बॉर्डर का मसला सुलझ जाता है। अब ये देखकर जो है ये कई देश अलबलाए हुए हैं, अरे बॉस ये क्या ही खेल हो गया। देखिए, जब जब प्रधानमंत्री मोदी रूस जाते हैं तब अमेरिका और उसके दोस्त मंडली की धड़कनें बढ़ जाती है। उन्हें हर बार ये लगता है कि कहीं युद्ध में भारत का झुकाव रूस की तरफ ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कूटनीति के लेवल पर ये रूस की बड़ी जीत हो जाएगी। पीएम मोदी के रूस जाने पर पश्चिमी देश इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी और पुतिन को गले मिलते भी नहीं देखना चाहते। अगर नरेंद्र मोदी पुतिन को गले लगा लें तो बॉस ये नर्वसिया जाते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके सामने ही ये कह दें कि ये युद्ध का दौर नहीं है, पश्चिमी देश नाचने लगते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम का डंका पीटने लगते हैं। पीएम मोदी के रूस दौरे से सबसे ज्यादा टेंशन में तो अमेरिका होगा, क्योंकि उसे रूस से नैरेटिव की लड़ाई में भारत का साथ चाहिए, चीन से वर्चस्व की लड़ाई में नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी रूस पहुंचे, अमेरिका को यह समझ आ गया होगा कि कनाडा और खालिस्तानियों के चक्कर में उसने भारत को लपेटने की बड़ी गलती कर दी। रूस पहुंचकर कैसे पीएम मोदी ने पश्चिमी देशों की कूटनीतिक क्लास लगा दी, उसके बारे में आपको आगे एक एक डिटेल बताऊं। पहले आपको पीएम मोदी के रूस दौरे की कुछ शानदार तस्वीरें दिखाता हूं। पीएम मोदी जब रूस के शहर कजान पहुंचे तो वहां रूसी नागरिक कृष्ण भक्तों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें कृष्ण भजन गाकर सुनाया। पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर उनकी भक्ति को नमन करते दिखे। तस्वीर देखिए एक बार।
कजान के होटल में रूस के कलाकारों ने डांस कार्यक्रम के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी ताली बजाकर इन कलाकारों का हौसला बढ़ाया। रूस के कजान शहर में भारतीय समुदाय ने भी पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय की भीड़ जमा हुई। हाथ में तिरंगा लेकर लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी का विमान जब रूस के कजान में लैंड हुआ तो एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत हुआ। रूस के प्रशासन की तरफ से एयरपोर्ट पर ही लड्डू और केक से उनका स्वागत हो गया। आप देखिए, एयरपोर्ट पर ही लड्डू और केक, जलेबी नहीं थी वहां। हालांकि पीएम मोदी ने कुछ खाया नहीं, लेकिन रूस के इस सम्मान के प्रति आभार जरूर जताया। यह स्वागत सत्कार भी रूस और भारत की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। कजान शहर पहुंचने के कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेता उसी गर्मजोशी से मिले जैसे वो अक्सर मिलते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने उसी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन की यही दोस्ती अमेरिका को असहज कर देती है। पीएम मोदी और पुतिन की यह मुलाकात इस वजह से भी खास है क्योंकि यूक्रेन दौरे के बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। हाल में दूसरी बार गए, लेकिन रूस गए, फिर यूक्रेन गए, अब फिर रूस गए। अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन गए थे, वहां जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले थे। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद से कई लोगों को यह लग रहा था कि कहीं रूस इस यात्रा से न चिढ़ जाए, लेकिन आज जिस गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उसने सारे डाउट्स दफन कर दिए। यूक्रेन दौरे के बाद भी रूस और भारत की दोस्ती पहले जैसी ही कायम, और यही नरेंद्र मोदी का जलवा है कि अपनी शर्तों पर सबसे रिश्ता निभा लेते हैं और किसी से रिश्ता खराब भी नहीं होता। अलग लेवल पे विदेश नीति चलती है। पिछली बार जब पीएम मोदी रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को गले लगाया था, तब उनके इस जेस्चर की पश्चिमी मीडिया ने खूब आलोचना की। तब जेलेंस्की ने पीएम मोदी को भी कहा कि ये क्या किए, यहां तक कह दिया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगा रहे हैं, जिस दिन यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल से हमला हुआ। लेकिन फिर जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे जेलेंस्की का सारी नाराजगी हवा हो गई। फिर वहां उन्होंने जेलेंस्की को गले लगा लिया तो जेलेंस्की सेट। और यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इस वक्त युद्ध का दौर है। हर देश अपना अपना फायदा देख रहा है, हर देश दूसरे देश को दुश्मन या दोस्त की कैटेगरी में बांट के देखता है। ऐसे वक्त में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जैसी डिप्लोमेसी की है वैसे शायद दुनिया का कोई वर्ल्ड लीडर ना कर पाए। भाई जुलाई में पीएम मोदी रूस गए, पुतिन से गले मिले, युद्ध रोकने के लिए कहा। अगस्त में यूक्रेन गए, जेलेंस्की से मिले, जेलेंस्की से कहा युद्ध रोक दो। सितंबर में रूस के जानी दुश्मन अमेरिका गए से मिले, अमेरिका गए, वहां बाइडेन से मिले, फिर वहां जेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी दौरे पर फिलिस्तीन के पीएम अब्बास से मुलाकात की, फिलिस्तीन को मदद का भरोसा दिया, युद्ध खत्म करने की बात की। इस मुलाकात के एक हफ्ते के अंदर इसराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, युद्ध रोकने की अपील की। फिर एक हफ्ते पहले अक्टूबर में एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान को घर में घुसकर दुनिया के सामने उसकी सच्चाई दिखा दी। फिर खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा का झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज किया। और इन सब के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत के खुद के बड़े दुश्मन चीन से अपनी बात मनवाई और चीन को बॉर्डर पर कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। और अब फिर रूस जाकर पुतिन से गले मिल ली। बॉस, आप सोचिए, आप ऑफिस में ऐसा नहीं कर पाइएगा कि मान लीजिए ऑफिस में चार बॉस हैं और इनकी आपस में न बनती हो तो आदमी इसी में अलबल आ जाता है कि किसके साथ चाय पिए, किसके साथ कॉफी पिए। ना बॉस, आपको वो देख लेगा, आपके साथ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां नरेंद्र मोदी अलग लेवल पे खेल रहे हैं। जो लोग कहते थे नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, बॉस कौन सा दुनिया का नेता बताइए जो ऐसा कर पा रहा है कि सबसे दोस्ती चल रही है, सबसे बातचीत चल रही है, किसी को छोड़ नहीं रहे और सबको समझा रहे हैं। कहां लड़ाई में पड़े हो यार। आपको पीएम मोदी और पुतिन के बीच गहरी दोस्ती और जबरदस्त केमिस्ट्री की एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति बातचीत की टेबल पर बैठे तो रूस के राष्ट्रपति काफी खुश और शांत दिखे। लगा ही नहीं कि वो एक बड़े युद्ध में फंसे हैं या तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं।
पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ये कहकर सबको ठहाके लगाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि पीएम मोदी से उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं कि बीच में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। एक बार देखिए कैसे पुतिन और मोदी हंसी खुशी बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि दो दोस्त की पार्टी में मुलाकात हो रही है। सुनिए जरा। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। आप केमिस्ट्री देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुतिन कह रहे हैं कि बॉस हमारा तो ऐसा दिल का कनेक्टेड है कि ट्रांसलेटर नहीं चाहिए कि मैं रशियन में कुछ कह रहा हूं आपको कोई हिंदी में बताए। ऐसा लगता है कि नहीं भी ट्रांसलेटर होगा तो आप समझ जाइएगा। अलग लेवल की ये बातचीत। राहुल गांधी सीना नाप रहे थे 36, 35, 34। युद्ध के बीच फंसे रहकर भी पुतिन का यह मुस्कुराता चेहरा सबको हैरान कर रहा हो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन दो वजह से खुश है। पहली वजह तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रूस को अलग 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 थलग करने की कोशिशों के बीच रूस ने अपने देश में 36 देशों के नेताओं को जुटा लिया। दूसरी वजह यह है कि भारत और चीन के नेता रूस में, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने यह कहा था कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते, और ये तीनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस में होने वाले इस सम्मेलन पर टिकी है। सबको उम्मीद है कि इस सम्मेलन में युद्ध रोकने के किसी प्लान पर बातचीत हो सकती है। रूस पहुंचकर पीएम मोदी भी पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते दिखे और यह बात फिर दोहराई कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत इसमें हर मदद करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी का स्टैंड कभी कभी नहीं पलटता कि अरे यार इतना अच्छा स्वागत कर दिया कैसे इसको सुनाएंगे, वो मुंह पे सुनाते हैं भाई। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में फिर बोले आए कि कहां लड़ रहे हो यार, ये समय लड़ने का। सुनिए एक बार पीएम। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। इधर पीएम मोदी रूस पहुंचे, उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस की दोस्ती पर बड़ा बयान दे दिया। एस जयशंकर ने कह दिया कि अगर आप आजादी के बाद रूस के साथ हमारा इतिहास देखें तो मैं कह सकता हूं कि रूस ने कभी भी हमारे हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कुछ नहीं। एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। आज रूस की स्थिति अलग है। रूस का वेस्ट के साथ संबंध स्पष्ट रूप से टूट चुका है, इसलिए आपके पास एक ऐसा रूस है जो एशिया की ओर बहुत ज्यादा मुड़ रहा है। क्या हमें एक एशियाई देश के रूप में राष्ट्रहित में हमारे लिए जो अच्छा है उसे नहीं अपनाना चाहिए? एस जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और कैनेडा भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों को न सिर्फ शरण दे रहे हैं बल्कि उन्हें बचाने के लिए भारत से भिड़ रहे हैं। तो भारत क्या ये नया भारत है बॉस आपकी सुनने बैठा है? तुम नहीं दोगे साथ, खालिस्तानियों को पालोगे तो तुमको टैकल करना आता है भाई इस भारत को। उसने बता दिया कि हमारे साथ रूस है, तुमको रूस से दिक्कत हो गया, हम और रूस से दोस्ती करेंगे। तुमको खालिस्तानियों से दिक्कत नहीं है, हमको है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम आतंकियों को पाल रहे हो तो तुम रूस को गाली दोगे तो हम उसको गाली देने लग जाएंगे। अमेरिका और पश्चिमी देश भले कुछ भी कहते रहे, भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो अपने हितों की कीमत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हां में हां नहीं मिलाएगा। भारत की रूस के साथ पुरानी दोस्ती है, अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप देखिए कि इतने वक्त से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, भारत ने कभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की बातों की परवाह नहीं। भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को कुछ कम करे, लेकिन भारत ने किसी के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया, उल्टे रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए। यही बात तो इन लोगों को पसंद नहीं आती, ये जो 5i, 3i, 2i, 5i करते हैं और खालिस्तानियों को लल्लो चप्पो करते हैं लोग, इसी चक्कर में तो करते हैं कि कुछ तो करके मोदी पे दबाव बने। अब मोदी झाड़ देते हैं कि हटाओ ये सब, इससे प्रेशर बनेगा, तुमको घेरना मुझे आता है। रूस और भारत ने 2030 तक 100
बिलियन डॉलर का व्यापार बढ़ाने का टारगेट रखा है। 2024 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 65 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है, जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस का व्यापार सिर्फ 10 बिलियन डॉलर के करीब था। अब रूस और भारत के बीच व्यापार 33% सालाना की दर से बढ़ रहा है। भारत और रूस के बीच ट्रेड तब तेजी से बढ़ा जब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया। अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार इसका विरोध करते रहे कि रूस के साथ भारत इतना ट्रेड क्यों बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने रत्ती भर भी इन सब की परवाह नहीं, ना ही किसी दबाव में भारत आया। रूस के साथ साथ भारत ने चीन को भी साध लिया। बॉर्डर पर चीन हेकड़ी दिखा रहा, चीन को लग रहा था कि वो भारत को पीछे धकेल देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं हटे। बॉर्डर पर सेना की तैनाती बनाकर रखी, 1 साल 2 साल 3 साल। जब चीन को लग गया कि अरे बॉस, ये वो भारत नहीं है जो एक जमाने में सोचता था कि चीन के बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो चीन से रिश्ता बिगड़ जाएगा, चीन हमला ना कर दे, ये वो वाली सरकार, पहले वाली तो लग नहीं रही है, तो मोदी सरकार है, ये तो हिल ही नहीं रही, ये तो हट ही नहीं रहा आदमी, ये अपनी सेना को पीछे हटाने ही वाला नहीं लग रहा। राहुल गांधी बोलते रह गए कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। चीन को ना समझ में आ रहा था कि कौन किससे डर रहा है, तो आज चीन मजबूर होकर बातचीत की लाइन पर आ गया। भारत के साथ जो चीन का लेटेस्ट समझौता हुआ है, उसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी, यानी कि साल 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं तक गश्त कर सके। बॉस, ये काम चीन से कोई नहीं करा पाया कि उसको कहे धकेल दे गए पीछे जाओ वहां लाइन पर। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान पर बयान देते हुए कहा कि दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। अगले चरण में चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। एलएसी पर चीन के साथ बातचीत में कुछ पॉजिटिव निकलकर आने का मतलब यह है कि आगे माहौल बेहतर करने के रास्ते बन रहे, क्योंकि अब तक यह विवाद बहुत ही पेचीदा रहा। कुछ आसान मुद्दों का समाधान तो हो गया, लेकिन भारत चीन के रिश्तों में एलएसी को लेकर कठिन परिस्थितियां अब भी बनी हुई, खास तौर पर देपसांग के मैदानों और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों में सैनिकों की पूर्ण वापसी का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ था। गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके से तो दोनों तरफ के सैनिक हट गए थे, लेकिन देपसांग में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग के मुद्दे को हल करना चुनौतीपूर्ण था। अब अगर कुछ सहमति पेट्रोलिंग को लेकर बनी है तो मुमकिन है कि धीरे धीरे दूसरे अनसुलझे मुद्दे भी हल हो जाएंगे, और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर भयंकर टकराव से जो रिश्ते बिगड़ गए थे वो सामान्य होने की दिशा में बढ़े। पीएम मोदी के रूस जाने से अमेरिका को इस बात का भी डर सता रहा होगा कि कहीं फिर से रूस, चीन और भारत की तिकड़ी ना जमा होने लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है। साल 2018 में रूस, चीन, भारत, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इसका ट्राइलेटरल समिट हुआ था। तीनों देशों के बीच ये आखिरी समिट था। तब चीन के राष्ट्रपति ने तीनों देशों को मिलकर नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ने की वकालत की, लेकिन भारत और चीन के बीच LAC विवाद की वजह से RIC समिट फिर हो ही नहीं पाया। अमेरिका को डर है कि कहीं ये RIC समिट फिर से शुरू ना हो जाए। इसके अलावा ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है, सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, UAE जैसे देश इसमें जुड़ रहे हैं, जिससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री ने यह कहकर अमेरिका को और टेंशन दे दी कि ये तिकड़ी देश कुछ सालों से औपचारिक तौर पर नहीं मिले, लेकिन आज भी ये मजबूत संबंध रखते हैं। यानी इंडिया, रशिया, चाइना आज भी मजबूत है।